हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उज्ज्वल और आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैट केयर पर। आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपनी शार्क फिश के एक्वेरियम में से पीछे से पोस्टर हटा दिया है, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। उसमें पानी भर गया था चेंज करने के टाइम पर, तो मैंने अभी 4-5 दिन पहले शार्क की जो पूरी जो बैकग्राउंड था ये हटा दिया। इससे क्या है कि ये पीछे का सब हमारी जो विंडो है वो दिख रही है और थोड़ा ऑड लग रहा है। वैसे क्या है, पोस्टर लगा होता तो एक नेचुरल हल्का सा लुक लगता है, पर पोस्टर ना होने की वजह से बहुत से लोग कह रहे थे कि कैसा लगेगा, हटा के दिखाइएगा। तो देखिए ऐसा लगेगा, बहुत दिन पहले कमेंट किया था पर आज वैसा हो ही गया। ये जो ट्रांसपेरेंट जो होता है बैकग्राउंड, ये या तो प्लेन कोई दीवार हो आपकी तो ठीक लगेगा, या फिर आपका एक्वेरियम जो बीच में कहीं रखा हो, दो रूम के बीच में, इधर से भी दिख रहा है उधर से, तो ठीक लगता है। बिना वॉलपेपर बिना पोस्टर के एक्वेरियम बहुत ही फीका फीका सा लगता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसीलिए पोस्टर लगाना बहुत ज़रूरी होता है जो अलग नेचुरल लुक लगे, नहीं तो आप अपना कोई अलग ऐसी जगह रखें जहाँ पर आपका बैकग्राउंड अच्छा हो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही है, पर इसके नुकसान इस वीडियो में मैंने बताने हैं जो आपसे मैंने थंबनेल में डाला है टाइटल में, कि शार्क फिश बिना पोस्टर के क्यों ज़्यादा डरती है। क्योंकि क्या होता है, शार्क फिश बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसको क्या होता है कि थोड़े हाइडिंग स्पेस चाहिए होता है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे ये साइड से हो सके। जब इसके आसपास दोनों तरफ से इसे दिखेगा कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये बहुत डरेगी। देखिए ऐसे ये बहुत डरती है, और अभी डरेगी तो पूरा एक्वेरियम को हिला देंगी। ये तीन ही शार्क पूरे एक्वेरियम को हिला देती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। सारी फिशेस से ज़्यादा इन्हीं में पावर मैंने देखी है, इतनी किसी फिश में नहीं है। साइज में भी सबसे ज़्यादा बड़ी हैं और एक्वेरियम में टक्कर भी बहुत मारती हैं, पुश बहुत करती है। देखिए इसके वाटर चेंज करने में इसके देखिए फेस पर हल्का सा मार्क आ गया है, चोट लग गई थी इसके वाइट वाली एल्विनो के। तो ये बहुत ही पावरफुल फिश होती हैं। पोस्टर आप लगाएं, इनको थोड़ा बहुत हाइडिंग स्पेस मिल जाएगा, मतलब एक तरफ से शांति इनको मिलेगी कि इधर साइड हम लोग स्विम कर सकते हैं, इधर से लोग आते हैं तो इधर से थोड़ा दूर रहना है। पर जब दोनों तरफ से इनकी रोशनी जाएगी तो इनको थोड़ा बहुत टेंशन भी होगा। मैं जल्दी इसमें पोस्टर लगा दूंगा जिससे ज़्यादा फिश परेशान ना हो, क्योंकि अगर ऐसे ही इनको घूमने दिया तो रूम में अंदर आने जाने में इनको उधर से भी प्रॉब्लम होगी कि अंदर कोई है, और इधर तो प्रॉब्लम होती है, लोगों को देखते रहते हैं। तो शार्क फिश कोशिश करूंगा कि जल्दी पॉन्ड फार्म पे बन रहा है वहाँ शिफ्ट कर दूं। और आप लोग बताइएगा कि पॉन्ड आ चुका है हमारा रेडीमेड, तो आप लोगों को भी चाहिए तो लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके क्लिक करके आप भी पॉन्ड्स ले सकते हैं वाला। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।